मम्मा मम्मा, क्या हुआ बेटा? मैंने आपको एक गुड न्यूज सुनानी है। बताओ बेटा। पहले आप यहाँ पे बैठो। क्या हुआ? कैन यू बिलीव इट, मेरी ड्रीम जॉब लग गई है 10 लाख पर एनम। सच में? भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। ठीक है मम्मा। वाओ, कांग्रेचुलेशंस दी, मुझे पता था आप कुछ ना कुछ करोगे। थैंक यू सो मच। अब तो मेरा आईफोन पक्का ना? आईफोन क्या, अब तो तुम्हारी हर चीज पक्की है। थैंक यू दी, अब तो मुझे आईफोन मिलेगा। सब कुछ दीदी से ही लोगी या खुद भी कुछ करोगी? पता है ना कल से तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम है, थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दे दो। मम्मा क्या आप हर वक्त उसे बोलते रहते हो, कभी तो उसको ढील दिया करो, थोड़ा सा तो उसको रिलैक्स करने दिया करो कभी तो। सोनाक्षी, कौन से कलर का आईफोन चाहिए बता मुझे। छोड़ो ना दी। क्या हो गया, तो भी मम्मा की बात का गुस्सा मान गई? वो तेरा भला ही चाहते हैं ना। ऐसा भला चाहते हैं तो बुरा पता नहीं कैसा चाहते होंगे। अरे ऐसे नहीं बोलते हैं, वो भी तेरे भला ही चाहते हैं, ठीक है? और अच्छे से पढ़ाई कर अब, और मुझे बता देना कौन से कलर का आईफोन चाहिए, ठीक है? अंजलि, कल का बोर्ड एग्जाम अच्छा तो हो जाएगा ना यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे हो जाएगा अच्छा, इतनी टेंशन क्यों ले रही है यार? फिर भी देख, मेरे पेरेंट्स ने तो बोल दिया है कि 10th के बाद जो मर्जी कर। तेरे पेरेंट्स कितने कूल है यार। अरे तू इतनी टेंशन ना ले, इट्स जस्ट एन एग्जाम। फिर भी यार मेरे दिमाग में इतने गंदे थॉट्स आ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। देख सोनाक्षी, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स ही तो हैं, बाकी एग्जाम्स की तरह इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है। चल तू घर जाके रेस्ट कर, मैं तुझे कल सेंटर में मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। आगे घूम फिर के, पढ़ाई लिखाई की टेंशन है तुम्हें, कल से बोर्ड एग्जाम है तुम्हारे। परीक्षाओं के शुरू होते ही छात्र और छात्राओं में आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया है। आखिर आत्मघाती कदम बच्चे क्यों उठा रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है एक तो फेल होने का डर और दूसरी तरफ पेरेंट्स का प्रेशर। सोनाक्षी बेटा, उठ जो, एग्जाम है ना तुम्हारा आज। सोनाक्षी उठो, सोनाक्षी उठो। क्या है मम्मा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मुझे भी टेंशन है मेरे एग्जाम की। बेटा आज तुम्हारा एग्जाम है ना, मैं तुम्हें कुछ दिखाने आई हूँ। मम्मी आई नो, मेरा एग्जाम है, मुझे उसकी टेंशन है, और मुझे पता है आप मुझे अपने अचीवमेंट्स दिखाने आए हो, मुझे नहीं देखनी। बेटा मैं तुम्हें अपने अचीवमेंट्स नहीं, अपने फेलियर्स दिखाने आई हूँ। फेलियर्स? हाँ बेटा। आप भी फेल हुए थे? हर कोई होता है, मैं भी हुई हूँ। ये देखो, मुझे 10th में पासिंग मार्क्स मिले थे मैथ्स में, और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट बिजनेस पार्टनरशिप जिसमें मुझे 5 लाख का लॉस हुआ था। बेटा लाइफ में फेल होना भी बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं बेटा, ये सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स है, मेहनत करते रहो, अगर फिर भी तुम्हें मनचाहा रिजल्ट ना मिले तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई एक बोर्ड एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकती। तुम्हारी लाइफ को डिफाइन करेगी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच मम्मा, आप समझ भी नहीं सकते मैं कितना ज़्यादा डरी हुई थी। मेरे दिमाग में बार बार यही चले जा रहा था कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो मैं क्या करूँगी, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, आप लोग क्या बोलोगे, पर आपने मेरी टेंशन दूर कर दी मम्मा, थैंक यू सो मच। एक और बात बेटा, आई एम सॉरी, हम पेरेंट्स तुम बच्चों पे ज़्यादा ही प्रेशर डाल देते हैं, पर हम पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि अगर तुम बच्चे खुद से ये सब एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो सीखोगे कहाँ से। जाने अनजाने में तुम बच्चों पे प्रेशर डालने के लिए आई एम सॉरी बेटा। नो प्रॉब्लम मम्मा, ऑल द बेस्ट बेटा, आई नो यू विल डू वेल। थैंक यू मम्मा।